हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन कैसे होता है, रणजी खेलने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करना है, वहां पर जमकर मेहनत करनी है और एकेडमी के लोकल मैचेस को खेलना है। लोकल मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो आपका पेपर में नाम आएगा, आपको सब जानने लग जाएंगे। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देने हैं, डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन करना है और आपको डिस्ट्रिक्ट टीम में अपनी जगह बनानी है। फिर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो आपका स्टेट टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। स्टेट टीम में सिलेक्शन होने के बाद आप लोग रणजी के ट्रायल दे सकते हो, रणजी के ट्रायल को क्लियर करो। फिर अगर आपने रणजी ट्रॉफी खेल ली दोस्तों, तो आप लोग के पास एडवांटेज हो जाता है कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हो रणजी में भी, तो आप लोग बीसीसीआई की नज़र में आ जाते हो और बीसीसीआई आपको इंडियन क्रिकेट टीम में भी मौका दे देता है। तो रणजी खेलने के कितने सारे फ़ायदे हैं, तो आप लोग आज ही क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन करो, क्योंकि आप लोग क्रिकेट अकेडमी से ही आप लोग रणजी ट्रॉफी खेल सकते हो और रणजी के ट्रायल वही दे सकते हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला होगा। तो आप लोग अगर आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं खेला है, तो आप लोग पहले एकेडमी ज्वाइन करो, फिर आप लोग डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलो और फिर रणजी टीम में अपनी जगह बना सकते हो। और बीसीसीआई की नज़र रणजी के प्लेयरों पे होती है और वो लोग रणजी के प्लेयरों को इंडियन क्रिकेट टीम में मौका देते हैं। रणजी खेलने के दोस्तों आप लोग को बीसीसीआई पैसे भी देता है। जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी खेलने के आपको पैसे भी मिलेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि रणजी प्लेयरों को कितना पैसा मिलता है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप लोग ये क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करो और वहाँ पर जमकर मेहनत करो, क्योंकि आप लोग को रणजी ट्रॉफी खेलना है। आप लोग इस तरह से रणजी ट्रॉफी आसानी से खेल सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपनी कोई भी आप हमें कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।